नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। दिनेशपुर व बसंतपुर गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह समिति एवं भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान दिनेशपुर मुख्य चौराहे पर भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनेशपुर मुख्य चौराहा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर माला पहनाकर नेताजी का जन्म दिवस मनाया गया। दिनेशपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। जिन्होंने इस क्षेत्र में बंगाली समुदाय के हित में बहुत ही उत्तम उत्तम आगे ले जाने के लिए एकजुट रहना होगा, जैसा माँ नंदा गोरी और महादेव की धरती से गंगा खुशियाली ज्यादा से ज्यादा होगी। तरह यह मैदानी क्षेत्र नीम की तरह बिना त्राही संतुलित विकास माँ नंदा और महादेव की धरती से ठीक वैसे ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन उस कालखंड के कुछ नेताओं ने इनका विरोध किया। ये गरम दल के नेता थे, आज़ाद हिंद फौज का गठन करके गुरिल्ला युद्ध करके हिंदुस्तान को आज़ादी का स्वच्छंद वातावरण दिया। नेताजी जो सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगे, उनका एहसान तो कोई भूल नहीं सकता। वो आज भी जिंदाबाद हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका विरोध किया गया और उन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दिया। नेताजी का विरोध करने वाले ये समझ लें कि नेताजी थे तो वास्तव में सच्ची आज़ादी थी। वो आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन करके एक एक युवा को अपने साथ जोड़कर पूरे विश्व के अंदर भारत की अलग जगाने वाले, भारत को परम वैभव पर ले जाने वाले, भारत को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बनाने वाले और भारत को विश्व गुरु की उपाधि पर दिलाने के लिए नेताजी के भगीरथ प्रयास सदैव आज भी नरेंद्र मोदी जी के मन में भी वही विचार हैं। और मोदी जी भी नेताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए आज उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को हिंदुस्तान की सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेताजी हमारे आदर्श हैं और नेताजी की वजह से ये भारत जिंदा है। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो नेताजी को क्रिटिसाइज करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो मानसिक पटल पर हैं, वो सूर्य की तरह जगमगा रहे हैं और सदैव वो विश्व के मानचित्र पर स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। आज पूरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती 125 जन्म जयंती मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी महान नेता थे और हमारे देश के लिए क्रांतिकारी और महान व्यक्ति थे, लेकिन उनको आदर्श को महान लोगों के साथ करना चाहिए। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए अपनी कुर्बान किया है, जो किया है उनके लिए हमारे पूरे भारत में जवानों का सिर चलना चाहिए कि हमारे नेताजी क्या करके गए और क्या करना चाहा, लेकिन इसके आदर्श को लेके ही चलना है हमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करेगी नेताजी, आप स्वयं देखते हैं कि इस गांव में लगभग पिछले 30 वर्षों से मानने से नहीं मिलती, 29 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और हम लोग यहां पर जो भी उनको नमन करने के लिए पहुंचते हैं। आजाद होकर और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। ये हम प्रत्येक वर्ष मनाई जाती थी। आप देखते होंगे कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, किसी भी बड़े गुरु की जयंती है, उस सबको बड़े प्रमुखता से पूरे देश में
बड़े विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इसमें चुनाव को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव तो हम लोग अपने काम पे, और जो माननीय मोदी जी ने देश को दिशा दी है, और जो पश्चिम बंगाल की आपने जो बात की, वहाँ पर जो इस टाइम गुंडा राज है और जिस तरह का उपद्रव है, उसके खिलाफ़ हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मानकर चलते हैं कि जीतेंगे।